फाइनली देख रहे हैं हमारे हाथ के सामने, देखिए ये देखिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे ही चलना है हमको, अभी थोड़ा दूर है। फाइनली हम आ गए, अगर शाम नहीं होता है, देखिए सूर्य अगर अस्त नहीं होता है तो पूरा आपको हम दिखा देंगे वहाँ तक, लास्ट तक चलते हैं और देखते हैं क्या ऐसे क्या हो रहा है। अगर अंदर एंट्री होगी तो अंदर भी चल के दिखाएंगे। तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पे हमको एंट्री नहीं मिल रहा है अंदर जाने का, क्यों देखिए गार्ड साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे साहब वो अब नहीं है तो हम नहीं दे सकते हैं, फिर भी हम अगल बगल क्या वीडियो उस साइड से दिखा लो ना पीछे, हम तो दूरी है ना, हम अंदर, अरे ये कैमरे लगे हुए हैं सामने, यहाँ कवर होता है पूरा, तो कि तुम्हारे सामने खड़ा आदमी दिखा रहा है वो ये थोड़ी देखेगा वीडियो कॉल, आप लोगों को मना है और क्या, ऐसा नहीं, अरे उधर आप चले जाओ उधर, और कुछ नहीं ऐसा कहीं तो लिखा दिखाई नहीं दिया, चले जाओ उधर चले जाओ, जाओ आराम से। तो देखिए गार्ड साहब अभी मेरे को मना कर रहे हैं फिर भी पता कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि नहीं है कैमरे लगे हुए हैं, पता नहीं क्या है, मुझे लग रहा है गाइस क्या सिस्टम है, मैं तो कुछ ऐसा आप लोगों को दिखा भी नहीं रहा, बस स्टेडियम का नजारा दिखा रहा हूँ, बहुत बढ़िया दिखा रहे हैं, अभी तो बन के तैयार हो गया है पूरा खेलने के लिए, अभी देखिए अभी देखिए डायलॉग बाजी कर रहे हैं कि तैयार हो गया खेलने के लिए, और क्या दिखा और, रहे हो ना गाइस के लिए, तो इसीलिए बता रहा हूँ। और दोस्तों आप लोग समझ भी गए होंगे, इधर गलत है तरीका, और हमको बता रहे हैं गलत तरीका है, पता नहीं क्या, मैं ऐसा कुछ तो दिखाया नहीं हूँ अभी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, और कैसे हो आप सब, उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे। तो गाइस आज आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो हाईवे आपको दिख रहा होगा, हमारे ऊपर साइड देखिए पुल दिख रहा होगा ये, और अभी हम इधर हैं। और आपको अगर क्रिकेट से प्यार है और आप लोग जानना चाहते हैं यूपी में सबसे अच्छा स्टेडियम बनारस में कहाँ बन रहा है, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, अभी कुछ ही दिन हुआ उसको बनना जो स्टार्ट हुआ है, तो उसको आज मैं आपको दिखाऊंगा, और वीडियो बहुत एकदम मस्त होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, और ख़ासकर आप लोगों के लिए मैं दिखाने जा रहा हूँ जो क्रिकेट से प्यार करते हैं। हालांकि सभी लोग इंडिया में क्रिकेट को चाहने वाले बहुत ही है, तो अभी चल के मैं देखिए ये पुल के अंदर से जाना है मुझे, और इधर से मैं चल के अंदर दिखाता हूँ आपको कि कितना प्यारा है। तो वीडियो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं लास्ट में वहीं पर चलता हूँ और अंदर चल के दिखाता हूँ और कैसे क्या तैयारी है, क्या हो रहा है वहाँ पे और क्या कुछ चल रहा है। तो चलते हैं दिखाते हैं आपको, आप लोग वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा देख के, क्योंकि जो इस समय माहौल बन रहा है क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल जो है गंजारी का वाराणसी में, बहुत ही खास होने वाला है गाइस। तो आसपास का नज़ारा आप लोग देख ही सकते हैं, और हमारी बाइक देख सकते हैं, ये हमारी बाइक है, हम बाइक से आ जाए हैं इधर, तो काफ़ी शाम तो हो चुका है, चलते हैं कोशिश करते हैं और दिखाते हैं आपको बहुत ही प्यारा नज़ारा, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, मज़ा आएगा, चलते हैं लेके। तो देखिए ऐसे ही जाना है यहाँ से गाइस, ये देख रहे हैं रास्ता, इधर से अभी हम आए, ये हाईवे है जो कि बहुत ही अच्छा बनाया गया है, अभी कुछ ही दिन हुआ ये सब का निर्माण, ये रोड है और इसके अंदर से चलते हैं, देखिए जाना है, तो ये बाइक है इसको स्टार्ट करके चलते हैं, दिखाते हैं आप। तो गाइस फाइनली देख रहे हैं हमारे हाथ के सामने, देखिए ये देखिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे ही चलना है हमको, अभी थोड़ा दूर है, फाइनली हम आ गए। अगर शाम नहीं होता है, देखिए सूर्य अगर अस्त नहीं होता है तो पूरा आपको हम दिखा देंगे वहाँ तक, लास्ट तक चलते हैं और देखते हैं क्या ऐसे क्या हो रहा है, अगर अंदर एंट्री होगी तो अंदर भी चल के दिखाएंगे। और देखिए हम यहाँ पहुँच गए हैं और आसपास का नज़ारा देखिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी इधर गांव है और खेत वो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, और ये जो लोकेशन है बहुत ही अच्छा जगह लोकेशन बन रहा है जो स्टेडियम है गंजारी का, और चलते हैं वहाँ पर दिखाते हैं आपको, जो कि देखिए वहाँ पर दिख रहा है, कैसे जाना है ये तो अकेले हैं इसलिए हम दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी चलते हैं वहाँ पर दिखाते हैं आपको बहुत ही प्यारा, कैसा कैसा माहौल है यहाँ का, क्या क्या तैयारियाँ हो गई हैं, और 2026 तक क्रिकेट उसमें हो जाएगा या इंटरनेशनल टूर्नामेंट अभी नहीं हो पाएगा, चलते हैं देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि कैसा माहौल है गंजारी स्टेडियम वाराणसी का। तो चलते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं ये गेट के सामने हैं और हम आ गए यहाँ पर फाइनली, और स्टेडियम का देखिए जो बनता हुआ लोकेशन दिख रहा है चारों तरफ से यही है, और देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे एंट्री हमको मिलती है या नहीं मिलती है इसका तो पूछने पर पता चलेगा अंदर चल के।
तो अगर देखते हैं अंदर एंट्री मिलती है तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसा माहौल है यहाँ का। नहीं माहौल है दिखाते हैं चल के। कहा भैया अंदर जाने देंगे कि नहीं? क्या करना है? अरे ऐसे ही बस दिखाना है हमको थोड़ा बहुत, और कुछ करना नहीं है। तो गार्ड से पूछ लीजिए। तो गार्ड साहब देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, गार्ड साहब इनसे हमको पूछना है कि अंदर एंट्री होती है कि नहीं। थोड़ा जाना है, दिखाना है हमको ऐसी वीडियो में, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, बस यही सब यही सब कि क्या मतलब सिस्टम हो रहा है, मतलब नहीं तो ऐसा है कोई सिस्टम है नहीं। तो हम ऐसा कुछ थोड़ी दिखा देंगे कि जो आप लोग आप पे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं दिखाएंगे। तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पे हमको एंट्री नहीं मिल रहा है अंदर जाने का, क्यों देखिए गार्ड साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे साहब वो अब नहीं है तो हम नहीं दे सकते हैं, फिर भी हम अगल बगल से आपको दिखा सकते हैं। उधर चलते हैं बाहर, यहाँ पे नहीं दिए हमको एंट्री अंदर जाने के लिए, सोचने वाली बात है। और क्या है हम आप लोगों को क्या ऐसा दिखा देते कि जो इनको अच्छा नहीं लगता। और अभी परमिशन लेना पड़ता है क्योंकि कहीं भी आप नए जगह पे आओगे तो बिना पूछे कुछ काम नहीं होता है। तो हम भी सोचे हैं कि यहाँ पे एंट्री अगर मिल जाती है तो आप लोग को अंदर से कुछ माहौल दिखाएंगे स्टेडियम का, और नहीं दे रहे हैं तो बाहर से चलते दिखाते हैं आपको घूम के। और गार्ड साहब देखें यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अंदर का माहौल देखिए, यहाँ पे जो कार्यकर्ता लोग हैं कुछ इस तरह बैठे हुए हैं। शाम का समय आज 2 अक्टूबर है, जानते हैं महात्मा गांधी जी का जन्मदिन आज जयंती है, तो आप लोग को पता ही होगा। और चलते हैं तो बाहर से दिखाते हैं, उधर तो जाने नहीं दे रहे हैं, तो ऊपर साइड अगर जितना हो सकता है वहाँ से दिखाते हैं क्या क्या हुआ है। ऊपर साइड चलते हैं। क्या गार्ड साहब क्या कह रहे हैं? अच्छा रोड पे चले जाए ना, ठीक है। तो अभी गार्ड साहब बता रहे हैं कि रोड पे चले जाइए, वहाँ से फ्रेश दिखाई दे रहा है अंदर। तो गेट के अंदर हम आए हुए हैं लेकिन यहाँ से उधर नहीं जाने दे रहे हैं और परमिशन नहीं दिए हैं, हालांकि आज हो सकता है 2 अक्टूबर है इसलिए जाने नहीं दे रहे। तो चलते हैं उधर से भी दिखाते हैं आपको। तो गाइस फाइनली बाहर आ गए गेट के, और चलते हैं उधर से दिखाते हैं आपको रोड पर से कैसा है कैसा नहीं है। इन लोग का वही है, समझ रहे हैं कि कितना काम हुआ है, अगर दिखा देंगे तो आगे तक बात जाएगी। इन लोगों का सिस्टम जो है कि ऊपर नीचे होने लगेगा, इसलिए नहीं जाने दिए। तो चलते हैं उधर से दिखाते हैं आपको, बहुत ही अच्छा लगेगा, बाहर से भी बहुत ही अच्छा दिखता है, तो ले चलते हैं दिखाते हैं आपको, अच्छा ही लगेगा, कोशिश करते हैं कुछ दिखाने का। तो गाइस फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ और आप लोग देख सकते हैं ये स्टेडियम, देखें यहाँ से देखिए कितना साफ देख रहे हैं। और मैं वहाँ पर गया था, एंट्री नहीं दिए, फिर भी आप लोग बाहर से देख सकते हैं तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, अभी कितना तैयार हुआ है। और काफ़ी लोग कह रहे थे 2026 में इसका टारगेट दिया गया था, अब मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी 2026, क्योंकि 25 फिलहाल हो भी सकता है कि तैयार हो जाए, लेकिन देख सकते हैं आपको अंदर अगर परमिशन ना मिला होता, मैं परमिशन लेने गया था, नहीं मिला हमको परमिशन, फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसा तैयारी है। यहाँ से ऊपर से देख लीजिए, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ ना, तो देखिए ये चारों तरफ से देखिए सीढ़ियाँ जो बन रही हैं उस साइड देख सकते हैं, सब सीढ़ियाँ बन रही हैं। और यहाँ पर देखिए वो जो है उस डैम वैम जो लगा है वहाँ पे देखिए ऐसा है, और इस साइड देखिए ये क्रिकेट का जो सीढ़ियाँ हैं चारों तरफ से वो बनना स्टार्ट हो गई हैं। और ये देखिए वहाँ पे जो ये दिख रहा है मिट्टी, देखिए वहाँ पे ये मिट्टी दिख रही है आपको, ये अभी इसको निकाल के पूरा लगभग चारों तरफ लगाएंगे, जो ये भरना है देखिए इसमें जो ये दिख रहा है ये वो अंदर इसके सीढ़ियों के अंदर भर के बनाएंगे। और देखिए इसकी तैयारी क्या ज़बरदस्त चल रही है। और अभी मैं रोड पे ही हूँ, रोड पे चारों तरफ आप देख सकते हैं हमारे कुछ लोग आते जाते आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, और काफ़ी अच्छा इधर का माहौल भी लग रहा है। और जब से हाईवे बना है बहुत ही अच्छा इधर का लोकेशन हो गया है, काफ़ी लोग इधर वीडियो भी बनाने आ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ की वीडियो वायरल भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। तो बहुत लोग दिखा रहे होंगे, आपको देखे भी होंगे, लेकिन ऐसा नज़ारा देखिए, ऐसा नज़ारा आपको नहीं दिखा होगा जैसा मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं, और इस साइड से भी देखते हैं, और आगे चलते हैं दिखाते हैं आपको, बहुत ही अच्छा लगेगा देख के। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने में आपको कुछ नहीं लगता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वॉच ज़रूर करिएगा और देखना कितना प्यारा लगेगा।
तो अभी हम चल रहे हैं गाइस, इस साइड देखिए, वहाँ वहाँ देखिए कुछ दिख रहा है, जो अभी जूम करते हैं, देखिए उस साइड, वहाँ पे देखो उस साइड कितना प्यारा देखिए बन गया है। उस साइड पूरी तैयारी, मतलब एक सीढ़ी जो है उधर उस साइड बैठने वाली बन गई है। और अभी आपको जो बीच में मिट्टी दिख रही होगी, देखिए ऊपर से ये मिट्टी दिख रही होगी वहाँ पे ऊपर, वो सब मिट्टियाँ जो है नीचे उसको डालेंगे अभी। और चारों तरफ से देख सकते हैं माहौल कैसा दिखाई दे रहा है, तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको कंडीशन कैसा है। और अगर पास से आपको आकर देखना है अभी तैयारियां कैसी चल रही है, तो देख भी सकते हैं पास से आके। अभी देखिए यहाँ से कुछ जाने का कुछ हुआ है, तो देखते हैं जुगाड़ अगर हो जाए तो दिखाते हैं आपको अंदर से चल के, क्योंकि हम तो अंदर नहीं, लेकिन फोन फिर भी जा सकता है। और तो आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए पास से देखिए, ये जो है मैं बताया ना कि चारों तरफ से सीढ़ियाँ बन रही हैं, देखिए वहाँ से देखिए ये पूरा बन रहा है ना स्टेडियम का, देखिए इधर से पूरा। और ये लगभग आप लोग जो समझने वाले हैं समझ गए होंगे कि अभी कितना टाइम में ये तैयार होगा स्टेडियम। तो आप इस साइड भी देख लीजिए, अभी काम चल रहा है, ये हम नहीं कर रहे कि काम नहीं चल रहा है, लेकिन काम में अभी थोड़ा मुझे लग रहा है कि टाइम लगेगा। जिस स्पीड से काम होना चाहिए उस स्पीड से अभी मुझे नहीं लग रहा है कि हो रहा है, फिर भी काम हो रहा है। और देख सकते हैं उस साइड भी कुछ, जो उस साइड कंप्लीट हुआ है, तो उधर जाने का अभी रास्ता मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस साइड देखिए और इधर देखिए यहाँ पे ये सब, तो आप देख ही सकते हैं। तो अभी चलते हैं, तो अभी हम स्टेडियम के एकदम पास पास से ही हैं, तो दिखाते हैं एकदम। देखिए साइड में आप देख सकते हैं हम कहाँ पे हैं गाइस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और ये हमारी दिली इच्छा थी कि मैं आप लोगों को बंजारी की स्टेडियम की वीडियो खासकर आप लोगों को दिखाऊं, जो आजकल क्रिकेट देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं बहुत ही प्यारा ये जगह है। और जब ये स्टार्ट होगा यहाँ पे, अभी तो अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जब स्टार्ट होगा तो कितना अच्छा माहौल होगा यहाँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा बन रहा है ये स्टेडियम, और कुछ दिनों में तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी गार्ड साहब हमारे को, देखिए गार्ड साहब एक हैं मना कर रहे हैं कि उधर से जाइए, अभी मैं अंदर भी नहीं गया हूँ, वहाँ पे उस वाले गेट पे भी दिखाया था मैं आपको। तो मैं ऐसा कुछ आप लोगों को दिखा नहीं रहा हूँ कि जो इसमें गलत हो, तो आप लोग देख सकते हैं, फिर भी मना कर रहे हैं, पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं। बोले मैं परमिशन भी लेने के लिए आया था, लेकिन बताया नहीं। कैमरे लगे हैं ना, फोटो मना है, फोटो हम नहीं ले रहे हैं ना, वीडियो कॉल पे दिखा रहे हो क्या? वीडियो उस साइड से दिखा लो ना, पीछे हम तो दूरी है ना, हम अंदर। अरे ये कैमरे लगे हुए हैं सामने, यहाँ कवर होता है पूरा, तो कि तुम्हारे सामने खड़ा आदमी दिखा रहा है वो ये थोड़ी देखेगा वीडियो कॉल। आप लोगों को मना है और क्या, ऐसा कहीं। अरे उधर आप चले जाओ, उधर और कुछ नहीं, ऐसा कहीं तो लिखा दिखाई नहीं दिया। चले जाओ उधर, चले जाओ, जाओ आराम से। तो देखिए गार्ड साहब अभी मेरे को मना कर रहे हैं, फिर भी पता कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि नहीं है, कैमरे लगे हुए हैं, तो पता नहीं क्या है। मुझे लग रहा है गाइस क्या सिस्टम है, मैं तो कुछ ऐसा आप लोगों को दिखा भी नहीं रहा, बस स्टेडियम का नजारा दिखा रहा हूँ। बहुत बढ़िया दिखा रहे हैं, अभी तो बन के तैयार हो गया है पूरा खेलने के लिए। अभी देखिए, अभी देखिए डायलॉग बाजी कर रहे हैं कि तैयार हो गया खेलने के लिए। और क्या दिखा और, रहे हो ना गाइस के लिए, तो इसीलिए बता रहा हूँ। और दोस्तों आप लोग समझ भी गए होंगे, और हमको बता रहे हैं गलत तरीका है, पता नहीं क्या, मैं ऐसा कुछ तो दिखाया नहीं हूँ अभी, फिर भी आप लोग देख सकते हैं। और चलते हैं, उधर मना कर दिए तो मान जाना चाहिए, ऐसा नहीं, और जबरदस्ती नहीं। तो बता रहे पुल के ऊपर जाओ, अभी उधर से भी मैं दिखाता हूँ आपको, पुल के ऊपर भी चढ़ के और देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको, अगर वीडियो अगर सही अच्छे ढंग से आ रही है, ब्लर नहीं आएगी क्योंकि रात हो गया, तो दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये स्टेडियम का गंजारी स्टेडियम जो वाराणसी में, इसका मेन गेट है, और हम यहाँ पे हैं। और आपको पहले जो दिखाई दे रहा है उधर एक गेट लगा है, उधर भी है, लेकिन वो गांव से है, जो मेन गेट है हाईवे से जो है यहाँ से एंट्री होती है, एंट्री फिर भी नहीं हो रही है,
और ऊपर चलते हैं, ऊपर से अगर कुछ और अच्छा दिखाई दे रहा है तो ऊपर से भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये गंजारी स्टेडियम वाराणसी का बहुत ही प्यारा स्टेडियम, मुझे तो बाहर से बहुत ही प्यारा, बहुत एक्साइटेड हूँ भाई अंदर जाने के लिए। और आप लोग को भी देखने में ना बाहर से बहुत ही प्यारा लगेगा, जब अंदर चलेंगे तो अभी तो बन रहा है लेकिन अंदर जाने के बाद स्थिति क्या है उसका माहौल कुछ और है गाइस, क्योंकि अभी तो बन रहा है, जब बन के स्टार्ट होगा तो अभी चलते हैं ऊपर भी दिखाते हैं, ऊपर से भी अगर दिख जाता है तो, क्योंकि शाम हो चुका है काफ़ी, देख सकते हैं सूर्य अस्त हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है, अगर ब्लर नहीं आएगा वीडियो में तो दिखाते हैं हम आपको, अगर ब्लर आ जाएगा तो फिर कोई बात नहीं, चलते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे देखिए सूर्य अस्त हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है और काफ़ी शाम हो चुका है, तो अभी चलते हैं और देख सकते हैं थोड़ा हम अपोजिट साइड है एक रोड के, और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी रफ्तार से इस पर ट्रक वाहन कितना तेज़ी से आ रहा है, और ये कितना चलता हुआ रोड, ये जो हाईवे है बन चुका है और बस स्टेडियम बनना बाकी है। देखिए ऊपर देखिए, ये देखिए वहाँ से देखिए कितना प्यारा लग रहा है, देखिए ये मैं जूम किया, ये यहाँ पे देखिए कितना प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं। तो ये डिवाइडर है नहीं, मैं इसको ऊपर चढ़ के दिखाता, तो देख सकते हैं गाइस, देखिए कुछ इंडियन क्रिकेटर्स के देखिए यहाँ पे पिक्चर्स लगाई गई हैं, देखिए जो कि आपको इसमें देखना है और कमेंट करना है आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन से हैं यहाँ पे, चलते हैं दिखाते हैं आपको और आगे। तो गाइस जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं ऊपर के साइड, वैसे वैसे स्टेडियम बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है हमको, नीचे से तो कुछ अच्छा ही दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि नीचे से कितना अच्छा दिखाई दे रहा है और लगभग कितना प्यारा लग रहा है उसे। तो चलते हैं और आगे और ऊपर थोड़ा चलते हैं, ये पुल है और नीचे देखिए ये नीचे वाली जो है रास्ता है, नीचे का रास्ता, यहाँ से हमने आगे से ऊपर आया, और चलते हैं दिखाते हैं और आगे से कैसा लग रहा है दिखाते हैं आपको। यहाँ से देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा लग रहा है, ये स्टेडियम जो है कि गंजारी का वाराणसी में बन रहा है अभी, तो देखिए फाइनली हम ऊपर आ गए और ऊपर से दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये गंजारी का स्टेडियम है और अभी देखिए कितनी तेज़ी से यहाँ पे कार्य हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये 2026 तक कंप्लीट नहीं होने वाला है, आपको क्या लग रहा है कि ये 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा, और देख सकते हैं अभी जब मैं खड़ा हूँ ये डिवाइडर है मेन डिवाइडर रोड का, और यहाँ से मैं ऊपर दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदर जाने की एंट्री नहीं हुई मिली है, और ख़ास आप लोगों के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप यहाँ का माहौल देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं ऊपर आया हूँ, और ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ काफ़ी डर वाला भी चीज़ है, देखिए ऊपर देखिए काफ़ी नीचे है, देखिए यहाँ से अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ वो ऊपर के साइड है और अपोजिट साइड खड़ा हूँ, देख सकते हैं। तो अगर गाइस आपको स्टेडियम अच्छा लगा, अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और हमारे पीछे ही है, तो अगर स्टेडियम अच्छा लगा तो हमारे मेहनत के लिए और ख़ास आप लोगों के लिए हमने ये ब्लॉग बनाया, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर जाना, और अगर इस बार नहीं तो अगली बार मौका मिले तो मैं अंदर जाने की कोशिश ज़रूर करूंगा गाइस, क्योंकि मुझे अंदर से देखना है बनते हुए कि ये कैसा लग रहा है, आज नहीं आज तो 2 अक्टूबर है महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, जानते ही हैं कि आज जयंती है, तो अगर मौका मिले तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा, अंदर जा कर दिखाऊँगा, लेकिन आप लोगों को एक बार बनते हुए मैं स्टेडियम ये ज़रूर दिखाऊँगा, कोशिश तो ज़रूर करूँगा एक बार, और आज बोल रहे थे इनके कि मालिक नहीं, गार्ड जो यहाँ पे हैं उनके मालिक नहीं हैं, तो चलते हैं कोशिश करते हैं, और फाइनली देख ही लिए हैं तो अभी हम उतर जाते हैं नीचे यहाँ से, क्योंकि काफ़ी ऊपर हम यहाँ से हैं, आप लोग देख सकते हैं और आसपास का माहौल भी देख सकते हैं, तो चलते हैं नीचे उतर के, अब चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।